नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सोनाली मौत मामले में इस वक्त बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के फिल्म डायरेक्टर ने बड़ा खुलासा किया। डायरेक्टर मोहम्मद अकरम अंसारी का बयान सामने आया। मौत से करीब 20 दिन पहले सोनाली से बातचीत हुई थी। सुधीर को पैसे नहीं देने की बात कही थी सोनाली ने। इवेंट्स में काम के सिलसिले में संपर्क किया था। सुधीर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था साइन, ये कहना है डायरेक्टर का। सुधीर पर ब्लैकमेल के आरोप भी लगाए। सुधीर ने भी सारे फैसले करने की बात कही थी। बड़ी खबर, सोनाली हत्याकांड को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। यूपी के फिल्म डायरेक्टर ने भी कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि सुधीर सागवान की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया सोनाली फोगाट से और कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करवा पाए, लेकिन सोनाली फोगाट से उनकी बात हुई थी। सोनाली फोगाट ने उनसे बातचीत में कहा था कि सुधीर सागवान ब्लैकमेल करता है उनको, ये बात उन्होंने डायरेक्टर को बताई थी। सोनाली फोगाट की हत्या के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर सोनाली फोगाट हत्याकांड से जुड़ी, एक के बाद एक खुलासे। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर ने कहा कि सुधीर को पैसे नहीं देने की बात कही थी सोनाली फोगाट ने। इवेंट्स में काम के सिलसिले में संपर्क उन्होंने किया था। सुधीर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए साइन। सुधीर पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए थे सोनाली फोगाट ने। सुधीर ने भी सारे फैसले करने की बात कही थी। सुधीर सांगवान ने दरअसल डायरेक्टर से बात करी थी और कहा था कि सारे फैसले सोनाली फोगाट को लेकर वही करता है और इसके चलते कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं मिल पाया था।